दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जॉब के बारे में, यानी कि जॉइनिंग अदर बिजनेस। इंग्लिश में सुनने में कितना अच्छा लगता है जॉब, लेकिन हिंदी में बोलें तो नौकरी, जिसका मतलब क्या होता है आप सभी जानते होंगे। दोस्तों, हम 12 साल तक पढ़ाई करते हैं, ज़िंदगी में 12 साल दिए पढ़ने में, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन, उसके बाद 2 साल की मास्टर डिग्री, टोटल 17 साल की पढ़ाई, उसके बाद किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं। पढ़ाई में लाखों रुपया खर्च करने के बाद सामने बैठा हुआ शख्स यह निर्णय लेता है कि आपको महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। एक बात सोचो कि पढ़ाई की आपने पैसे लगाए आपने, तो वो सामने बैठा हुआ शख्स कौन होता है आपके दाम लगाने वाला, कि आपको कितनी सैलरी देनी चाहिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं दोस्तों। दरअसल आप जहाँ रहते हैं, आपके माता पिता, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, लोगों ने आपके दिमाग में एक ही बात डाल रखी है कि बेटा, तुमको अच्छे से पढ़ाई करना और एक अच्छी सी क्या नौकरी करना है। ये नौकरी करने का कीड़ा सब लोगों ने आपके दिमाग में भर रखा है, लेकिन एक बार सोचो कि नौकरी करने से क्या होता है। आप अपने दिन के 24 घंटे में से 10 घंटे अपने बॉस को देते हैं, यानी कि कंपनी को देते हैं, और उनसे 10,000 रुपया लेते हैं। कोई कोई दिन में 14 घंटा देकर 15,000 रुपया लेते हैं। इसका मतलब साफ है कि आप अपना समय बेच रहे हैं। आप आपके बॉस को या कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट देते हैं, तब जाके आपको 10,000 रुपया मिलते हैं। सीधा गणित का, आपको आपकी मेहनत का 10% मिलता है। आपके जैसे हजारों लोग एक कंपनी में काम करते हैं। आपका बॉस आपका टाइम, टैलेंट, क्वालिटी, इफोर्ट, लक सब इस्तेमाल करता है। उसके बाद बदले में आपको कुछ 1,000 रुपया देते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचिए, जब आपके टाइम, टैलेंट, लक, क्वालिटी, एफर्ट इस्तेमाल करके आपका बॉस करोड़पति बन सकता है, तो आप खुद अपना टाइम, टैलेंट, लक, क्वालिटी, एफर्ट खुद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो क्या आप करोड़पति नहीं बन सकते हो? नौकरी करने वाला हमेशा अपने आप से समझौता करता है। ना अच्छी बाइक होती है, ना कार होती है, ना अच्छी घर होती है, ना घूमने फिरने का होता है, ना कोई लाइफस्टाइल होती है। हम गरीब पैदा हुए हैं, इसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना पाप है। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोल रहे हैं, स्वरोजगार करो। दोस्तों, यदि हम डायरेक्ट सेलिंग में वर्क करें तो हम भी अपने सारे सपने पूरा कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग 2017 से 2020 का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला बिजनेस है। आइए आज ही हम मिलकर शुरुआत करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इसे अपने काम के साथ साथ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि जॉब क्या चीज़ है, तो आपको जॉब करना चाहिए या हम सारे मिलके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसे लगी,
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस साइड वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपका दोस्तों के लिए काम आए तो इसे आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।